हर बाप की ज्ञान वर्षा हमारे ऊपर हो रही है, जिसमें हम पावन बन अपने बड़े घर में जाएंगे। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। आज पवन स्लोगन में कहा कि साहस को अपना साथी बना लो तो सफलता अवश्य मिलेगी। ओम शांति। हाँ जी, जो नए जुड़े हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। सो आज का मुरली में था ना निश्चय बुद्धि। सो निश्चय बुद्धि बनाने के लिए हम कौन सा पुरुषार्थ करना है और कैसे बढ़ेगी निश्चय? कोई शेयर करना चाहते हैं? हम बाबा के बच्चे हैं ना, ज्ञान सागर का बच्चे हैं हम। सो ज्ञान सागर हमें पढ़ाते हैं। सो जितना हम ज्ञान का पढ़ते हैं उतना हमें निश्चय बढ़ती है ना? आज की मुरली में बाबा ने क्या बताया निश्चय के बारे में? ओम शांति। मैं शेयर करूं? हाँ जी सिस्टर। आज बाबा ने निश्चय के लिए बोला कि जैसे जैसे समय बीतेगा और दुनिया में हलचल बढ़ेगी, वैसे वैसे हम आत्माओं की डिवाइन फैमिली की वृद्धि होगी, विहंग मार्ग की सेवा बढ़ेगी, हमारा दुनिया में इंटरेस्ट जो है वो भी कम होता जाएगा, धारणाएं पक्की होती जाएंगी, तो हमें बल मिलता जाएगा और उमंग उत्साह और खुशी बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा निश्चय जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे और पक्का होता जाएगा। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर, बहुत अच्छा। सो निश्चय से नशा चढ़ती है, नशा से खुशी, बाबा ने बताया ना खुशी। इसलिए गायन है ना, गोपी अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछना है। माना जितना हमें निश्चय होता जाती है नशा बढ़ती है, नशे से अतीन्द्रिय सुख खुशी कायम रहती है, तभी विहंग मार्ग का सेवा शुरू होती है। सो आपको जो अच्छा लगे वो भी शेयर कर सकते हैं। आज का वरदान क्या था? बोलिए गीता सिस्टर। आज का वरदान है रूहानी संपैथी द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्ति भव। हाँ जी, रूहानी सिंपति। सो बाबा ने बताया ना आपकी सिंपति ईश्वरी परिवार के नाते से, इस रूहानी सिंपति से हम तन मन धन की पूर्ति कर सकते हैं, है ना?
ही हमारा संपत्ति। और क्या बाबा ने बताया आज? आज बाबा ने कहा परमात्मा और सेमिनार चल रहा है, आत्मा और परमात्मा का सेमिनार। हाँ जी सिस्टर, ओम शांति। आज बाबा ने बताया कर्म भोग से छूटने के लिए एक बाप की याद में रहना है, देहधारी की याद से टाइम वेस्ट नहीं करना है, बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर रखनी है और भोजन बहुत शुद्ध खाना है, जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए किसी भी मलेच्छर के हाथ का भोजन नहीं खाना है, बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। हाँ जी सिस्टर, सो बुद्धि को स्वच्छ कैसे बनाइए, माना बुद्धि का लाइन क्लियर रहना है ना, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? व्यर्थ को अपने लाइफ में नहीं, व्यर्थ नहीं सोचना है। हाँ जी, बाबा की याद से विकर्म विनाश करने हैं और सुदर्शन चक्र फिराते रहना है। शांति। हाँ जी सिस्टर, सो बाबा ने हमें अमृत वेले दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं, है ना, क्योंकि हमारा बुद्धि क्लीन क्लियर रखने के लिए। नहीं तो क्या होता है, दिन में कुछ ना कुछ व्यर्थ का, नेगेटिव का प्रभाव होता है व्यक्ति वस्तु वैभव का। बुद्धि जितना क्लियर स्वच्छ रहेगा उतना हमें स्पष्ट मालूम होगा, इसलिए बाबा ने बताया ना परखने का शक्ति। बुद्धि स्वच्छ रहने से हमें स्पष्ट दिखाई देगा, हम परख सकते हैं और अच्छे परखने से हमें निर्णय भी कर सकते हैं बाद में कौन सा शक्ति को अप्लाई करना है ना, वो उस शक्ति को हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बुद्धि का स्वच्छ रहना बहुत आवश्यक है। भाई जी आप कुछ कहना चाहते हैं? ओम शांति, ओम शांति। आज का वरदान है ना कि रूहानी संपत्ति के द्वारा, बाबा ने बताया ना कि सबको संतुष्ट करने वाला, तो मुझे लगता है कि हर एक अपने अपना राय बताना कि इस वरदान का आपने कैसा, किस प्रकार से आपने इसको चिंतन किया है। क्योंकि सिंपति का अर्थ तो सभी को पता ही होगा ना, तो सबसे पहले पंकज भाई आप बताना कि आपने इसको कैसा अर्थ लिया, जीवन में दया करुणा भाव कैसे आप इसको यूज करते हैं, जैसे भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना कि दया इस मूल का है, मतलब मानव जीवन का है। या रचना बहन जी आप कोई तो एक बता ना, रचना बहन जी, सीमा बहन जी। क्योंकि आज जो वरदान में बाबा ने बताया कि सबसे पहले जो सिंपति है ना, ये से मैं खुद अपने से स्टार्ट करता हूँ, तो पहले अपने ऊपर भी सहानुभूति का जो मंत्र है वो सबसे पहले अपने ऊपर भी हमें अप्लाई करना है।
क्योंकि हम हमेशा एक बार देखते हैं कि समझ लो आपके घर में कोई आए और कोई आपको बताए कि मेरा ये नुकसान हुआ या मुझे ये प्रॉब्लम आया, तो हम सब लोग उसको कितने प्यार से सहानुभूति करते हुए कि भाई छोड़ दो, ऐसा नहीं तो हो जाएगा, हिम्मत रख, कोई भी हो ना, कोई भी बात हो। लेकिन सेम अगर अपने ऊपर आया, हम अपने ऊपर ऐसे सहानुभूति करते हैं क्या? चिंतन का है, इसको थोड़ा सा चिंतन करना कि जब अपने ऊपर परिस्थिति आती है तो कितना हम सहानुभूति करते हैं। ब्राह्मण जीवन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया समझ लो, कुछ कारणवश होता है कभी कभी, हमारा पुरुषार्थ कहो या कुछ समझ लो, फॉर एग्जांपल कहो कि आपके अमृत विलास मिस हो गए किस कारणवश, तो कितनी बड़ी आत्मग्लानी होती है। उसके बाद पुरुषार्थ थोड़ा ढीला ऑटोमेटिक हो जाता है, क्यों? क्योंकि हम उसी संकल्प में रहते कि आज मेरे से मिस हो गया। लेकिन हम स्वयं को ऐसे सहानुभूति देते हैं कि ठीक है जो हो गया फुल स्टॉप, उसका रीजन बाद में देखेंगे, लेकिन अभी समझ लो 5 बजे उठे हैं, अभी 1 घंटा तीव्र माना एक अमृत वेला जैसा योग करते हैं, ऐसे स्वयं स्वयं से कभी समझाते हैं क्या? तो ऐसे ऐसे देखो कि ये भी क्या है कि स्वयं के प्रति सहानुभूति है। अगर दूसरा कोई आपको बताए कि ऐसा हुआ तो आप उनको बताएंगे नहीं, कुछ नहीं, आप दिन भर में 1 घंटा 2 घंटा रहने का भाव तो समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, इस मंत्र को यूज करना है। और भी कोई अपना थोड़ा सा चिंतन बताना। ओम शांति भाई जी, बहुत सुंदर बात बताई आपने कि अपने ऊपर भी सिंपति दिखानी है। वैसे देखा जाए तो भाई जी, जब कभी कोई परिस्थिति आती है ना, भले कोई कितना ही हमें कुछ कह ले, लेकिन जब तक हम खुद को नहीं अपना वो देते ना, अपने आप को ठीक करते, तो हम नहीं ठीक हो पाते। अपने आप को ही चिंतन देना ही पड़ता है, तब जाके हम अपने साथ मतलब सिंपति तो रखनी पड़ती है अपने साथ पहले। जब हम मान लो किसी और को भी दे रहे हैं संकल्प किसी बात में, तो जब तक वो खुद को नहीं देता तब तक तो वो ठीक नहीं होगा ना। तो इसमें बड़े सुंदर से मैंने तो ऐसे ही समझा वरदान को कि रूहानी सिंपति द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान भव। कि मान लो हम किसी को भी देते हैं, जब से ज्ञान में आए बाबा के बच्चे बने, शायद हमारा निस्वार्थ प्यार होता है उसके साथ, हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता, जाने अनजाने किसी को जाने ना जाने, फिर भी हमारा मन करता है कि ये परेशान है या दुखी है किसी परिस्थिति में है, तो हम उनको मन ही मन भले उन्हें बोल के नहीं कह सकते, सिकाश दे के करते हैं, तो अपना भी तो बढ़ता रहता है ना। इसलिए बाबा ने कहा सदा संपत्ति भाव संपत्तिवान भव। तो बाबा ने आज आपको आगे भी कहा, भले आप किसी को आप ईश्वरीय परिवार के नाते से सिंपति देते हो और इस रूहानी सिंपति से तन मन और धन की पूर्ति कर सकते हो, मतलब आप तो उसको तन से भी नहीं दे सकते, मन से और धन से भी नहीं आप उसकी वो कर सकते, लेकिन आपकी जो अंदरूनी भाव होते हैं ना वो वहां तक पहुंचते हैं, वहां तक पहुंचते हैं। यदि आप निस्वार्थ भाव से बाबा जैसा कहता है वैसा हमें देते हैं, जब सिंपति रखते हैं किसी के प्रति, तो ओम शांति। थैंक यू। गुंजा बहन जी कुछ बोलना है? ओम शांति भाई जी। सो अपने आप को सिंपति देने के लिए पहले अपने आप को प्यार करनी है, सेल्फ लव। तो जितना हम अपने आप को प्यार करते, अपने आप को समझाते हैं, कंसोल करते हैं, है ना, वही है। तब आप जब हम अपने को समझते हैं, तब दूसरों को भी हम समझ सकते हैं, दूसरों को भी हम दया भाव से देख सकते हैं, उनको भी बाबा बोलते हैं ना फर्स्ट अपने ऊपर दया करो। सो इससे अब दूसरों को भी मनसा सेवा का भी बहुत हेल्प होती है। ओम शांति। जी, कई बार हम मैं खुद के बारे में ऐसा आत्मग्लानी जो होती है ना वो बहुत होती है ना, तब थोड़ा सा अपने ऊपर जो होते हैं ना कि कभी कभी संशय पैदा होना, ऐसे कई हमने ब्राह्मणों को भी देखा है। ब्राह्मण
चलते चलते भी थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो उसका रीजन भी यही होता है, कुछ ना कुछ आत्मग्लानि होती है कि मैं नहीं आगे जा सकता, मैं ये नहीं कर सकता। तो ये थोड़ा थोड़ा अगर हम मन में आता है, फिर बाद में वो सब कुछ बोलते हैं ना बाबा की माया का अंदर का प्रवेश होता है। इसलिए अपने आप को ऊपर उठाना है, जैसे अपने आप के ऊपर तैयार करनी है, उमंग देना है, ये भी क्या है? तो ये क्यों बताया? क्योंकि ये भी क्या है, एक सिंपथी है, क्योंकि जब हम स्वयं को ऐसे करेंगे तब हम दूसरों को भी ऊपर उठा सकते हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम बाबा के श्रीमत को तोड़ दे और ये करें। जब हो गया तो उसका मतलब है उसको फुल स्टॉप। बाबा भी कई बार मुरली में कहते हैं ना कि जो हो गया उसको फुल स्टॉप लगाओ, अब आगे नहीं करो, क्योंकि वो तो हो गया ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे, इसका मतलब ये नहीं कि अभी जो समझ लो कुछ हो गया और फिर हम वही बात बार 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 मन में लाकर उसको दुखी हो रहे हैं। इसका कारण क्या है कि हम उस बात को छोड़ ही नहीं पा रहे, तो वो और गलती होते हैं। बाबा बोलते कई बार मुरलियों में दाग के ऊपर दाग, दाग के ऊपर दाग, फिर उन विकर्मों का बहुत पहाड़ बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि वो आत्मग्लानि बार बार मन को सताते हैं। तो इस प्रकार उसको दूर भी करना है, लेकिन बाद में उसको थोड़ा सा रियलाइज करके, लेकिन उसके बाद तुरंत ये नहीं होना चाहिए कि मैंने एक गलती की ये सर। बाद में थोड़ा सा अपने आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करो, थोड़ा सा एकांत में जाओ, कुछ अच्छे से बाबा के साथ महावाक्य करो, कुछ स्वयं स्वयं के साथ बातें करो। ये क्या है कि रूहानी सिंपति माना स्वयं को भी ऐसे हमें ऊपर उठाना है। किसी की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि अरे कोई व्यक्ति आए मुझे थोड़ा सा समझाए, नहीं कुछ नहीं, स्वयं को ऐसा करना है। और भी कोई बात हो तो बता सकते। ओम शांति भाई जी, इवन चार्ली भाई जी का क्लास में भी बाबा लाइक वही बता रहे थे, देहवान का दो प्रकार है, एक है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सेकंड है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियरिटी माना मैं ही कर सकती हूँ, मेरा मेरे से ही होता है, मैं ही हूँ, ये सुपीरियरिटी। इंफीरियरिटी माना कुछ मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से कुछ नहीं होता, अपने आप को नीचे गिराना। सो ये दो प्रकार का ये दो भी है, देहाभिमान का संस्कार है। इसके लिए बाबा बार बार हमें आत्म अभिमानी में स्थित करने के लिए बोलते हैं। यही एक कारण हमारा दिन का स्थिति भी नीचे ऊपर होती रहती है ना, क्योंकि इस दो प्रकार के देह अभिमान में हमारा स्थिति चलती रहती है। ओम शांति। रचना सिस्टर, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओम शांति सिस्टर, वही आप जैसे बता रहे थे ईगो एंड इन्वर्टेड ईगो, जैसे बाबा इसको मुरली में भी बताते हैं कि एक इन्वर्टेड ईगो हुआ जब हम इंफीरियोरिटी में आ जाते हैं, जब हम नहीं कर पाते हैं। ताकि जो वरदान था उसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करना चाह रही थी कि मैंने आजकल यूजुअली नोटिस किया है कि दुख तो सबके ही लाइफ में है, और अगर कोई किसी से दुख अपना बोलने जाता है तो सामने वाला उसको उतनी अच्छी तरीके से, उसके पास शायद पेशेंस नहीं होता कि वो उसके दुख को सुने, वो उसके दुख को आधा अधूरा सुनकर चार बातें अपने दुख के उसके सामने पेस्ट कर देता है। तो मुझे नहीं पता जो एक्चुअल में दुखी है वो उस समय जब शेयर कर रहा होता है तो उसको क्या मिलता है जब सामने वाले अपने चार लाइफ के दुखों को और सुनाने लग जाता है। तो रूहानी सिंपथी जब बाबा हमें वरदान देते हैं तो ऐसे में हमें गुड लिसनर्स बनना चाहिए। अगर कोई अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहा है, जरूरी नहीं है कि उस समय हम उसको ये ज्ञान दे दें कि अच्छा ये तो कार्मिक अकाउंट है, ये तो होगा, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ सुनो और उसको अच्छे से दो बोल बोलो हिम्मत के, और जो हमें लगता है ज्ञान के आधार पे कि ऐसे में ऐसे करना चाहिए, कुछ नहीं तो नथिंग न्यू, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल के ये बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपका ये जो भी फेस चल रहा है ये बहुत जल्दी निकल जाएगा और आपके अंदर वो बात है कि आप उसको पार कर लेंगे। तो हमने इनडायरेक्टली बाबा का ही ज्ञान दिया कि नथिंग न्यू और आप कर लोगे करके। तो ऐसे करके गुड लिसनर्स बने और उस पर हिम्मत बिठाए और
उसको एक्चुअली उसके साथ कंसोल करेगी, हाँ जी ठीक है आपका फेस सच में डिफिकल्ट चल रहा है, मगर आप उस फेस से गुजरते हुए भी कितना हिम्मत रख रहे हैं। तो ऐसे हम मतलब दिस वाज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल। ओम शांति। ओम शांति। अभी समय भी हो रहा है, हम बाबा के याद में बैठेंगे। मैं आत्मा जागंत ज्योति इस भ्रुकुटी के बीच चमक रही हूं। मैं मन बुद्धि संस्कार का मालिक हूं। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं। मैं परम धाम के निवासी इस देह में अवतरित हूं। मेरा स्थूल शरीर गुम हो गई, मैं आत्मा ज्योति अपने निजी धाम परम धाम की ओर जा रही हूं। मैं आत्मा ज्योति मेरी निजी धाम लाल रंग की किरणों से चमक रही है। असीम शांति है। मैं आत्मा ज्योति शिव बाबा महाज्योति को निहार रही हूं। सच्चित आनंद स्वरूप है ओ बाबा, सत्यम शिवम सुंदरम, बाबा का सुंदरता को निहार रही हूं। मैं आत्मा बाबा को निहारते निहारते उसमें ही समा गई, कंबाइंड हो गई। मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। बाबा ही मेरा संसार है। मैं बाबा से सर्व प्राप्तियों का रस ले रही हूं। बाबा शांति का सागर है, उसे असीम शांति की किरणें निकल रही है। शांति की किरणें
मेरे में संपूर्ण रीति से समा रही है। शांति मेरा निजी धर्म है, मेरा गले का हार है। मैं आत्मा और शांति के शक्ति का अनुभूति कर रही हूं। शांति की वाइब्रेशन सब तरफ फैल रही है। मैं आत्मा मास्टर शांति की सागर बन गई। बाबा सर्व शक्तियों का सागर है। उनसे सर्व शक्तियों का लाल रंग की किरणें निकल रही है। उस असीम शक्तियां मेरे में समा रही है। सर्व शक्तियों का निजी संस्कार मेरे में एमर्ज हो गई। मैं मास्टर शक्तियों का सागर बन गई। बाबा पवित्रता का सागर है। उनसे गोल्डन रंग की किरणें सब तरफ फैल रही है। उस गोल्डन किरणों में मैं समा गई। पवित्रता ही मेरी रॉयल्टी है, रियलिटी है। मेरा निजी संस्कार है। मेरा आदि अनादि का गुण पवित्रता है। मेरे में संपूर्ण पवित्रता का संस्कार इमर्ज हो गई। मैं आत्मा बाबा से सर्व प्राप्तियों का रस लेते उसी में खो गई। मैं आत्मा परम धाम से नीचे उतरते इस साकार लोक में साकार शरीर धारण किया।
ओम शांति। आज का व्यक्त मुरली का डेट है 31 मार्च 2011। हेडिंग है दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री का एग्जाम्पल बन सबके आधार मूर्त बनो। मनसा शक्ति द्वारा दुखी आत्माओं को खुशी का वरदान दो। मुरली का सार है आज बाप दादा हम बच्चों के भाग्य की रेखा देख रहे। हमारा भाग्य ऐसा भाग्य हमें मिला है और किसी का भी ऐसा नहीं हो सकता। ये संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग है। जो जितना अपना भाग्य जमा करता है उतना अनेक जन्म भाग्य का फल प्राप्त होता रहता है। सो बाप दादा का यही चाहना है कि हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने। स्व के ऊपर अर्थात कर्मेंद्रियों के ऊपर मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राजा बन राज्य करे। स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए बाबा एक विधि बता रहे। सो सदा हम शिव शक्ति है इस स्वरूप में स्मृति में स्थित रहे तो कभी भी बाप का साथ हम नहीं भूलेंगे। जब हम बाप को सदा साथी बना के रखते हैं तो यह मन बुद्धि संस्कार किसी की भी ताकत नहीं जो कंट्रोल में नहीं रहे। सो इस स्मृति से हम माया जीत प्रकृति जीत स्वतः बना देती है। और आगे बाबा बता रहे प्रकृति कहाँ ना कहाँ अपना कार्य करती रहती है लेकिन आप प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रदान बना रहे हो। लोग तो प्रकृति की हलचल देख डरते हैं। आपके ही भाई बहन है ना जो दुखी अशांति में है उसको अपने बाप द्वारा ली हुई किरणों द्वारा खुशी की किरणें पहुंचानी है। इसलिए बाबा कह रहे मनसा सेवा करने का टाइम हर एक को अपनी दिनचर्या में फिक्स करना है क्योंकि ये अपना ही भाई बहन है। और आगे बाबा संगम की विशेष दो बातों के बारे में बता रहे। एक है संकल्प का शक्ति दूसरा संगम का समय क्योंकि संगम के समय में एक जन्म में अनेक जन्म की प्रारब्ध बनानी है। इस दोनों बातों को अटेंशन दे सफल कर सफलता मूर्त बनो और दृढ़ संकल्प करो कि आज से अटेंशन नो टेंशन। अंत में बाबा कह रहे समय प्रमाण अभी वाणी द्वारा सुनने का समय भी कम मिलेगा इसलिए मनसा द्वारा और अपने चेहरे और चलन द्वारा सर्विस करो। अभी का अभ्यास आगे आने वाले समय में कार्य में आएगा। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने कोटों में कोई बच्चों के भाग्य की रेखा देख रहे। हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिव्य चमकते हुए सितारे के चमक देख रहे हैं। नयनों से स्नेह की रेखा देख रहे हैं। मुख से ज्ञान की रेखा देख रहे हैं। दिल में दिलाराम के लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में ज्ञान के खजानों की रेखा देख रहे हैं। पांव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। हर एक बच्चा इन रेखाओं में नंबरवार संपन्न है। ऐसा भाग्य आपके बिना और किसका भी नहीं है। आपका इतना श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चे से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है और यह भाग्य अविनाशी
बन जाता है क्यों? क्योंकि देने वाला अविनाशी बाप है। इस संगम पर ही ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है जो भविष्य में भी चलता रहता है। यह संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग है। जो जितना अपना भाग्य जमा करता है उतना अनेक जन्म भाग्य का फल प्राप्त होता रहता है। इस संगम युग की महिमा आप बच्चे ही जानते हैं। संगम युग की प्राप्तियां सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। बाप दादा देख रहे हैं, हर एक बच्चा इस संगम युग की प्राप्तियों से कितना संपन्न है। आप सभी भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव में सदा रहते हो या कभी कभी? अविनाशी बाप है तो प्राप्तियां भी अविनाशी है। बाप दादा हर बच्चे को किस रूप में देखना चाहते हैं, जानते हो ना? बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने, स्वा के ऊपर अर्थात कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राजा बन राज्य करे। भविष्य में तो राज्य अधिकारी बनेंगे, लेकिन अभी स्वराज्य अधिकारी राजा बने। कोई भी कर्मेंद्रिया अपने कंट्रोल में हो, क्योंकि बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना प्राप्त हुआ है। तो बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा रूप में देखने चाहते हैं। तो आप सभी स्वराज्य अधिकारी बने हो। मन बुद्धि के ऊपर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर आ गई है। अधीनता तो नहीं है, अधिकारी है। जब बाप दादा को साथ में रखते हैं, अकेले नहीं बनते हैं, बाप को सदा साथी बना के रखते हैं, तो यह मन बुद्धि संस्कार किसी की भी ताकत नहीं जो कंट्रोल में नहीं रहे। इसलिए बाप दादा शक्तियों को सदा कहते हैं कि अपने कौन से स्वरूप को याद रखो जो कभी भी बाप का साथ भूल नहीं जाए। वह है हम शिव शक्ति। शिव और शक्ति साथ है। यह स्मृति माया जीत, प्रकृति जीत स्वतः बना देती है, क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है कि वर्तमान समय प्रकृति अपना कार्य करती रहती है, क्योंकि प्रकृति को भी मनुष्य आत्मा ये तंग करते हैं तो प्रकृति भी तंग करती है। आजकल देखते हो कि प्रकृति कहाँ ना कहाँ अपना कार्य करती रहती है, लेकिन आप प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रदान बना रहे हो। लोग तो प्रकृति की हलचल देख डरते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन आप जानते हो कि अच्छे ते अच्छा होगा, क्योंकि अभी यह संगम युग सृष्टि चक्र का अमृत वेला चल रहा है। तो अमृत वेले के बाद क्या होता है? सवेरा, अंधकार खत्म हो रोशनी आ जाती। तो आपको खुशी है कि अभी हमारा राज्य सुखमय संसार, जहां प्रकृति भी सुखमयी है, वह राज्य आया कि आया, खुशी है ना? जिस राज्य में दुख अशांति का नाम निशान नहीं होगा, क्योंकि अभी संगम पर आप प्रकृति जीत बन रहे हो, तो सभी को खुशी है ना? किसकी बोलो? हमारा राज्य आने वाला है, यह खुशी है। जो इस खुशी में रहते हैं वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, आप तो खुश रहती हो, इसकी मुबारक हो। लेकिन ऐसी खुशी, अपनी खुशी आपके भाई बहन जो दुखी अशांत है उसको अपने बाप द्वारा ली हुई किरणों द्वारा
खुशी की किरणें पहुंचाते हो? बाप दादा ने कहा था कि ऐसी मनसा सेवा करने का टाइम हर एक को अपनी दिनचर्या में फिक्स करना है। जैसे और कार्य के लिए टाइम फिक्स किया हुआ है, ऐसे अपनी खुशी की खुराक द्वारा दुखी आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा थोड़ा बहुत वरदान दे करके उन्हों को भी खुश करो। तो जिन्होंने अपना टाइम मनसा सेवा के लिए फिक्स किया है वह हाथ उठाओ। अच्छा, जिन्होंने भी नहीं किया है थोड़े, लेकिन हर एक को इसका टाइम फिक्स करना है, क्योंकि अपने ही भाई बहन है ना, तो तरस पड़ता है ना कि तरस नहीं पड़ता है? पड़ता है ना। और बाप दादा सभी को देखने चाहते हैं कि संगम की जो विशेष दो बातें है, जो अमूल्य है, एक संकल्प शक्ति और दूसरा संगम। का समय, क्योंकि संगम के समय में एक जन्म में अनेक जन्म की प्रारब्ध बनानी है। तो आजकल बाप दादा ने देखा है कि बहुतों के अशुद्ध संकल्प कम चलते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प आते जाते हैं। तो इस एक जन्म के मूल्य के अनुसार व्यर्थ संकल्प अभी फिनिश होने चाहिए, क्योंकि संगम युग के महत्व के हिसाब से एक सेकेंड कई कीमती समय का अधिकार दिलाता है। इसलिए हर एक इन दोनों बातों के समय और संकल्प दोनों के मूल्य को जान समय को और संकल्प को सफल करो। जैसे स्थूल खजाने को सफल करते हो, जानते हो कि एक जन्म में सफल करने से अनेक जन्म उनकी प्राप्ति जमा होती है, ऐसे इन दोनों बातों को अटेंशन दे, सफल कर सफलता मूर्त बनो। बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष एक वरदान दे रहे हैं। हर एक बच्चा आज से अपने को टेंशन फ्री बना सकते हो। दृढ़ संकल्प करो कि आज से अटेंशन, नो टेंशन। बाप दादा बच्चों को जब टेंशन में देखते हैं ना, तो सोचते हैं अभी अभी इस बच्चे का फोटो निकाल के भेजे। तो खुद ही समझ जाएगा कि मैं क्या बन गया। बाप दादा मन जीत जगत जीत बनाने चाहते हैं। टेंशन किस में? मन में ही तो आता है ना। तो आप तो राजा हो ना, स्वराज्य अधिकारी हो ना। क्या मन आपका है या मन का मालिक है? आप क्या कहते हो? सारा दिन मेरा मन कहते हो ना, मालिक तो नहीं है ना, कौन हिम्मत रखता है? बाप का वरदान सहज मिलेगा, लेकिन सिर्फ थोड़ा अटेंशन रखना पड़ेगा। बाप के वरदान की मदद का अनुभव करके देखना। सभी का चेहरा जब भी देखो तो कैसा दिखाई दे? टेंशन फ्री, कमल पुष्प समान व खिला हुआ गुलाब के पुष्प मिसाल। बाप दादा ने देखा कि जो पहले काम दिया था परसेंटेज लिखने का, सभी स्थानों से कुछ कुछ समाचार आया है, यह भी रिजल्ट निकाली है। अटेंशन दिया उसकी मुबारक बाप दादा दे रहे हैं, लेकिन अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि समय प्रमाण अभी वाणी द्वारा सुनने का समय भी कम मिलेगा, इसलिए मनसा द्वारा और अपने चेहरे और चलन द्वारा सर्विस करो। अभी का अभ्यास आगे आने वाले समय में कार्य में आएगा। तो आज से टेंशन फ्री का संकल्प कर सकते हो,
हाथ टूटा वो टेंशन फ्री, अच्छा सभी का फोटो निकालो, बहुत अच्छा। तो जो आत्मा ये सर्कमस्टेंस के प्रमाण बहुत टेंशन में रहती है, आजकल दुनिया में टेंशन बहुत बढ़ रहा है, तो आपका टेंशन फ्री का अनुभव और टेंशन फ्री की चलन और चेहरा उन्हों के आगे एक आधार मूर्त बनेगा। अगर आज दुनिया में चक्र लगाओ या समाचार सुनो तो क्या दिखाई देता है? टेम्पररी अपने को खुश करने के साधन बनाते रहते हैं, तो टेंशन वालों को टेंशन फ्री का एग्जाम्पल दिखाओ तो उनको भी सहारा दिखाई दे। तो संकल्प किया, अपने मन में संकल्प किया कि टेंशन फ्री रहेंगे, किया दृढ़ किया या साधारण किया, जहां दृढ़ता होती है वहां सफलता हुई पड़ी है। करेंगे नहीं, करना ही है। पसंद है? इसमें हाथ उठाओ। बाप दादा ने एक बात देखी है कि हाथ उठा के बहुत कुछ कर देते हैं। हाथ उठा के कुछ तो किया, लेकिन अभी क्या करेंगे? दृढ़ संकल्प, साधारण संकल्प, उसमें रात दिन का फर्क है। करेंगे और करना ही है। तो इस वर्ष की इस सीजन का आज लास्ट डे है, लेकिन अगली सीजन में बाप दादा हर एक छोटा बड़ा सेंटर काफी टाइम है बीच में, अगले वर्ष की सीजन में कारण नहीं लेकिन निवारण स्वरूप देखना चाहते हैं। तो कितना हिम्मत और उमंग है कि ब्राह्मण परिवार में टेंशन का नाम निशान नहीं हो। हो सकता है हर एक अपने से पूछे, हो सकता है यह खुशखबरी बाप दादा सुनने चाहते हैं। बाप दादा ने देखा कि चाहना सब रखते हैं, करेंगे, लेकिन जब समस्या आती है तो समस्या अपना बना देती है, फिर बहुत मीठी बातें करते हैं, यह हो जाता है ना, यह तो होगा ना, यह तो चलता है ना। बाप दादा को बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। सबका कारण राजा बन जाओ, बस स्वराज्य अधिकारी बन जाओ। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे सामने बैठे हैं, चाहे दूर बैठे, दिल में बैठे हैं, आप तो आंखों के सामने है, लेकिन बाप दादा जो दूर बैठे हैं उनको दिल में देख रहे हैं। बाप दादा को पता है कि आज के दिन मधुबन में भी छोटी छोटी गीता पाठशालाएं लग गई है, बच्चे आए हैं। बाप दादा बहुत 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 नीचे बैठने वालों को, कहाँ कहाँ बैठने वालों को सबसे पहले दिल का दुलार और याद प्यार दे रहे हैं। आज शांति वन में 28,000 से भी अधिक भाई बहने पहुंचे हुए हैं। बाप दादा ने देखा कि बच्चों को थोड़ी तकलीफ तो देखनी पड़ी है, लेकिन यह तकलीफ खुशी में अनुभव नहीं करते। फिर भी आराम से सोने के लिए तीन पैर पृथ्वी तो मिली है ना, जो पटरानी बने हैं उन बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, जो आज पहले बारी मधुबन में आए हैं या बाप दादा से मिलने आए हैं, वहां उठो। आज पहली बारी आने वाले बच्चों को बाप दादा नए ब्राह्मण परिवार में आने की अपने तरफ से, ब्राह्मण परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, क्योंकि फिर भी टू लेट आए हो, लेकिन आगे आ तो गए। बाप दादा और परिवार को देख तो लिया। बाप दादा समझते हैं कि आप चाहो तो आज आने वालों को विशेष वरदान है कि अगर दिल से चाहो तो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो आगे आ सकते हो। बाप दादा और परिवार का
आप सब आत्माओं से प्यार है, सहयोगी बनेंगे, स्नेह देंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे, चांस देंगे। इसलिए आज आने वालों को आगे बढ़ने का चांस बहुत अच्छा ड्रामा में मिलता है, मिल सकता है। सारा परिवार जहां से भी आए हो तो वह परिवार आपका सहयोगी बनेगा, आप सहज योगी बनना। अच्छा, याद कर लेंगे। अच्छा, हर एक बच्चे को बाप दादा की तरफ से इस वर्ष की मुबारक है और आगे वर्ष का भी मुबारक है कि सदा बाप समान बनना ही है। अच्छा, हम बच्चों की तरफ से बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अभी हम एक मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी आज का मुरली का चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज की मुरली से आपको क्या अच्छा लगा? ओम शांति। आज का पॉइंट मुझे अच्छा लगा, अपनी खुशी की खुराक द्वारा दुखी आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा थोड़ा बहुत वरदान दे करके उन्हें भी खुश करो। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। आज बाबा हमें एकदम फुल्ली तैयार करना चाहते हैं कि पहले तो बाबा ने हमें याद दिलाया कि आपका साथी कौन है, तो सर्वशक्तिवान है और उनको सदा साथ रखेंगे तो हम स्व राज्य अधिकारी बन सकते हैं। तो बाबा ने हमें आज स्वमान दिया कि हम शिव शक्ति है, तो शिव और शक्ति साथ है, तो जब शिव शक्ति के साथ है तो हमेशा शक्ति माया जीत और प्रकृति जीत स्वतः बना देती है। तो ऐसे याद दिला कि बाबा ने हमें स्वराज्य अधिकारी कैसे बन सकते हैं, अपने मन बुद्धि पर रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कैसे कर सकते हैं, वो बाबा ने हमें बताया, जिससे हम माया जीत और प्रकृति जीत बनेंगे। फिर बाबा ने हमें बताया कि ये एक जो जन्म है, दो इम्पोर्टेंट बताया, समय और संकल्प का इम्पोर्टेंस बताया कि ये संगम का समय है जब बाप आया है और संगम युग में प्राप्ति का समय है, तो समर्थ संकल्प की शक्ति से हमें प्राप्तियां मिलती है। तो बाबा ने हमें कहा कि ये समय का उपयोग करो और समर्थ संकल्प करो तो उसके द्वारा आप प्राप्ति ही प्राप्ति कर सकते हो, क्योंकि ये एक ही जन्म मिला है, उसमें आपको पूरे कल्प के जन्मों के लिए प्रारब्ध बनानी है। इसलिए बाबा ने हमें पहले अपना राजा बनाया, फिर राजा को क्या करना है उसको सशक्त बनाने के लिए तो हमें प्राप्तियां जमा करनी है, और फिर हमें क्या करना है, जब हम अपने खुशी और हम प्राप्तियों से संपन्न हो जाते हैं तो बाबा ने कहा कि अभी आपको तो टेंशन नहीं होगा ना,
अभी आप तो एकदम राजा बन गए हो, सशक्त प्राप्ति या स्वरूप राजा बन गए हो, और बाबा ने तो वरदान भी दे दिया है कि आज से अटेंशन, नो टेंशन। तो ये सब करके फिर बाबा कहते हैं कि अभी आप अपने जो भाई बहन जो दुखी है, अशांत है आत्माएं, उनकी मदद करो, तो उनको आप खुशी की किरणें द्वारा, बाबा से किरणें लो और उनको खुशी की किरणें दो। तो ये मनसा सेवा अभी हमें विशेष करनी है, क्योंकि प्रकृति भी अपना खेल दिखा रही है, क्योंकि मनुष्यों ने प्रकृति को बहुत हैरान किया है, तो प्रकृति का भी अभी टाइम आ गया है, वो भी अभी मनुष्य को हैरान करेगी। लेकिन आप टेंशन फ्री रहना, और आपको अपने चेहरे और चलन द्वारा ये सर्विस करनी है, क्योंकि आपका खुशी का चेहरा देख करके मनुष्य आत्माओं को खुशी मिलेगी, राहत मिलेगी, और जब आप मनसा सेवा करोगे तो आपके सभी भाई बहनें भी खुश होंगे, टेंशन फ्री होंगे। तो हमारे ऊपर बाबा ने जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है, इसलिए ही बाबा ने हमें आज टाइटल में कहा कि आप सबके आधार मूर्त बनो। ओम शांति। बहुत अच्छा सिस्टर, और कोई शेयर करना चाहते हैं? जैसे कि हम देखते हैं कि परिस्थिति तो सबके ऊपर आते हैं। बाबा ने आज की मुरली जो चलाई ना, कि सबके ऊपर परिस्थिति आती है, लेकिन कभी कभी ब्राह्मण बच्चे भी टेंशन में आ जाते हैं अगर देखा जाए तो उसको कैसे दूर करना, कोई अपना अनुभव बताएंगे? क्योंकि आज बाबा ने खास हमको टेंशन फ्री का रहने के लिए बताया ना। ऐसे नहीं कि आपके सामने परिस्थिति नहीं आएगी, हर एक के सामने परिस्थिति आती, समस्या तो आती है, लेकिन हमें उसे दूर रहना है। तो इसके लिए आप क्या क्या यूज करते हैं टेंशन फ्री का, जब हम रहने के लिए अपना अनुभव बता सकते? यह सभी टेंशन फ्री ऑलरेडी है, एक्चुअली मुझे पता है कि इसका व्यक्त मुरली क्लब में आप हर रोज जुड़ते हो, माना टेंशन फ्री तो हो ही, लेकिन औरों के टेंशन दूर करने के लिए बाबा ने बोला ना कि हमें औरों के भी टेंशन, और हमारे बीके परिवार में भी कभी कभी कुछ लोग ऐसे है, आप में है, जो हमारे भाई बहन है, जो छोटी छोटी बातों में कभी कभी टेंशन आता है, उसके लिए क्या यूज करना है? संपन्न बहन जी, आप बताएंगे? या पद्मावती बहन जी, ओम शांति। जब हम देखते हैं ना कि कोई भी टेंशन आ रहा है, तो यही एक संकल्प रखना है कि बाबा मेरे साथ है, क्योंकि ये अभी बाबा बार बार हमें समय याद दिला रहे हैं कि ये संगम का समय है बच्चे, मैं आया हुआ हूँ, मुझे यूज करो। तो हमें बाबा की याद को ही पकड़ के रखना है, बाबा की याद को पकड़ के रखते हैं, मीन्स बाबा को पकड़ के रखते हैं, तो बाबा हमेशा हमारे साथ है, वो हमें शक्तियां भरता रहता है, वो आया ही है हमें शक्तिशाली बनाने के लिए, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। जब हम ये नहीं भूलते हैं ना कि कौन हमारे साथ है, तो हमें ये हमें निश्चिंत हो जाते हैं, हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। अच्छा, ये परिस्थितियां तो जैसे बाबा हमेशा कहते हैं पेपर टाइगर है, माया पेपर लेगी और आपकी जो कमियां है, कमजोरियां है, उसको दूर करने के लिए आएगी तो सही ना, तो आप मुझे यूज करो, और फिर बाबा बैठा है वो सब संभालेगा। तो बाबा
करण करावन हार है इस हिसाब से कि वो बाबा साथ भी देता है और मुश्किलियों को लाके हमें उससे निकलने के लिए उसमें मदद भी करता है, शक्ति भी भरता है। तो बाबा इस तरीके से भी हमारे साथ रहकर हमारे करण करावन हार का पाठ बजा रहा है। तो हमें ये याद रखना है कि बाबा हमेशा मेरे साथ है, बस उसकी आज्ञा पर मैं चलती रहूं। बाबा ने हमें क्या आज्ञा की है, श्रीमद जो हमें हर रोज साकार मुरली द्वारा कहते हैं कि अशरीरी बनो और मुझे याद करो। आज भी कहा बाबा ने कि कोई भी देहधारी को याद करके टाइम वेस्ट नहीं करो। तो हमें सिर्फ ये ही याद रखना है कि हमें सिर्फ बाबा को याद रखना है साथ में और अशरीरी बनकर रहना है और बाबा की किरणें जो भी आती है हम में भरती है और हमें उसको फैलाते रहना है। तो हमारी मनसा सेवा भी साथ साथ हो जाती है, तो हम अपना तो जमा करते हैं साथ में दूसरों की भी सेवा करके डबल जमा करते हैं। तो ये हमेशा बात हम जब रखेंगे तो याद रखेंगे तो टेंशन फ्री हो जाएंगे। ओम शांति। हमें बाबा का जो ज्ञान है, बाबा पर हमें आवाज नहीं आ रहा है दीदी क्लियरली। हेलो, थोड़ा माइक के पास जाकर बोलना ताकि आवाज स्पष्ट आ। हेलो, हाँ जी बोलिए। थोड़ा हेडफोन, हाँ हेडफोन का यूज करना क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आ रही शायद। हेलो, अभी भी नहीं आ रही। हेलो, हाँ सिस्टर बोलिए। हाँ, सबसे पहले हमें बाबा पर निश्चय होना चाहिए, माना बाबा के ज्ञान पर हमें निश्चय होना चाहिए। अर्थात ड्रामा, जो भी ड्रामा में जो भी सीन आते हैं तो कोई ना कोई उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। तो कारण को ना देखते हुए हमें निवारण, उसको निवारण ढूंढना है, क्योंकि बाबा ने हमें ज्ञान से तो भरपूर कर दिया है, समझ दे दी है कि जो भी चीज आती है हमारी लाइफ में तो उसको टेंशन के बजाय उसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना है। तो सॉल्यूशन उसके लिए हमें बाबा की, बाबा से जो हमने शक्तियां ली है उसको यूज करना है, क्योंकि अगर हम टेंशन में होंगे तो जो भी प्रॉब्लम आई है उसका निवारण कर नहीं सकते। तो उसके लिए जैसे बाबा कहते हैं हमेशा कि आत्मिक स्मृति में, जब हम आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो जो भी बातें आई है तो हमें उस बात की टेंशन नहीं होगी। टेंशन माना ही मना मैं देह के बांध में आ गई, देह के बांध में आ गई इसीलिए मुझे टेंशन है। अगर मैं आत्मिक स्मृति में रह करके जो भी बातें आई है उसको देख करके उसका सॉल्यूशन, उसका निवारण करेंगे बाबा से शक्तियां लेकर के, तो हमें टेंशन नहीं। सबसे पहले ड्रामा पर निश्चय, बाबा पर निश्चय। और कोई शेयर करना चाहते हैं? जो नए जुड़े हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी सिस्टर। मतलब पर अभी जो क्वेश्चन जो पूछा है तो उसके बारे में आप कह रहे हो या मतलब वैसे कोई भी पॉइंट? कौन सा भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं? जैसे आज बाबा ने बोला ना कि बाबा हर एक का चेहरा जो है खिला हुआ गुलाब देखना चाहते हैं, माना कि टेंशन फ्री देखना चाहते हैं। तो उसके लिए
सबसे पहले तो अपने आप को टेंशन फ्री रखने के लिए जो मैं यूज करती हूँ, मैं तो हमेशा ये यूज करती हूँ कि ड्रामा का हर सीन ही कल्याणकारी है ना। अगर किसी व्यक्ति की तरफ से टेंशन आ रही है तो उसमें तो मैं ये यूज करती हूँ कि शायद मेरा कोई कार्मिक अकाउंट है इस आत्मा के साथ, तो जो अभी क्लियर हो रहा है एकदम से तो उस चीज में उसका जो उसका जो प्रभाव मेरे को पड़ता है। लेकिन फिर जब मैं ये पॉइंट अपने आप को जो है रिमाइंड कराती हूँ तो फिर इस चीज से मैं जल्दी ही उससे रिलीज, वो जो टेंशन है रिलीज हो जाता है मेरे से ना। तो अभी अगर ये भी पॉइंट दे सकते हैं कि ड्रामा का हर सीन एक्यूरेट है और जो हो रहा है बिल्कुल ही सही हो रहा है, तो इस तरीके से भी हम अपने आप को टेंशन फ्री रख सकते हैं। तो उसके बाद बाबा ने जो बोला है कि बाबा हमारे, हम बच्चों से जो बहुत उम्मीदें रखते हैं तो हमें बाबा की हर उम्मीद को भी पूरा करना है। कि जैसे बाबा ने बोला है कि बच्चे आपको व्यर्थ मुक्त होना है, क्योंकि एक व्यर्थ कई और व्यर्थ को भी लेके आता है। तो बाबा हमें राजा बच्चा भी बोलते हैं, तो राजा बच्चा माना स्वराज्य अधिकारी। तो हम स्वराज्य अधिकारी तब बनेंगे अपने हर जो थॉट को हम चेक देखते हैं कि समय मैं कौन से थॉट्स में इंडल्ज हूँ, तो उन थॉट्स को अगर तो वो बाबा के श्रीमत के अगेंस्ट हैं तो हमें वॉच करते हुए उनको उसी समय रिमूव करना है, चेंज करना है उन थॉट को, और अकॉर्डिंग टू द श्रीमत हमें उन चीजों को फॉलो करते हुए बाबा के जो हमारे ऊपर उम्मीदें हैं तो उनको पूरा कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। मुझे सभी ने बताया कि कैसे हम टेंशन फ्री रहे, सभी ने अपना अपना चिंतन तो बताया, लेकिन फिर भी अगर किसी को फिर भी टेंशन आ रहा है तो आप अपनी खुद की जांच करना एकांत में बैठकर, कि व्हाट इज द बेस, किसका रीजन क्या है, व्हाट इज द, होता है ना कि कहाँ पर एक ट्रिगर आता है कि जिसके कारण मेरा टेंशन बढ़ता है। कोई व्यक्ति को देखा, कुछ हुआ, प्रसंग हुआ, उसको आप थोड़ा सा एनालाइज भी करना चाहिए और अपने खुद की मेथड भी थोड़ा सा यूज करना चाहिए कि मुझे इसके मुक्त होना है। बाबा ने तो बताया है कि कुछ ना कुछ विधि को जब तक यूज नहीं करेंगे ना तब तक उसको फिर सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। ऐसे नहीं कि वो अंदर से दबा कर रखना। बाबा बोलते ना उसको ज्ञान के और योग के फिर प्रेम से उसको दूर करना है। लेकिन ऐसा कभी नहीं समझना कि मुझे टेंशन आता ही नहीं। टेंशन हर एक को थोड़ा थोड़ा तो आता है, परसेंटेज कम ज्यादा तो हर एक में है ही। किसी को ज्यादा आती है तो दिखाई पड़ता है, किसी को कम आती है। देखो ना, अभी समझ लो, फॉर एग्जाम्पल ले लो तो कितना समझ लो, कुछ हमारे घर में कुछ हुआ तो भी कुछ हम थोड़ा बहुत टेंशन में आते हैं और फिर बाद में बोलते हैं अरे ये तो बहुत ही कुछ मामूली कारण था। लेकिन उस पीरियड के लिए हम कितने टेंशन में आते हैं, तो इसका कारण क्या है कि हमें थोड़ा उसकी प्रैक्टिस की कमी है। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप अपने खुद के मेथड यूज करना या तो अमृतुल्य बाबा से भी पूछ सकते हो कि बाबा मुझे ये समस्या आती है जिसके कारण मुझे टेंशन आता है तो मैं कैसे दूर करूँ। बाबा आपको 101% उसका आंसर देगा ही, ठीक है ना। लेकिन सभी का रिजल्ट यही आना चाहिए, मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, अभी सदा मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। इसलिए बाबा के जो श्रीमत है उसके अनुसार हमें चलेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा आज इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि कई बार देखो परीक्षा है तो ब्राह्मण आत्माओं के सामने भी आती है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के पास ज्ञान है, योग की ताकत है, तो इसके कारण वो बहुत सहज रीति से उसको दूर कर सकते हैं। बाकी आत्माओं के अंदर ये ताकत नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, रोते हैं, ये बोलते हैं कि मेरे जीवन में क्यों आया। जैसे ना कि एक दो दिन पहले मुरली में आया था कि
शायद गुरुवार की मुरली में आया था कि जब हमें साकार मुरली में, कि जब हमें कुछ बीमारी होते तो क्या कहा बाबा ने कि हमारे हिसाब किताब झुक तो रहे, अब डांस करो कितना माना, ये वैसा तो कोई करते नहीं है लेकिन अंदर से तो डांस हमें करना है कि मेरा हिसाब किताब झुक तो हो रहा है, अभी मैं फ्री हो रहा हूँ। तो ये भी क्या कर्म भोग है, तो उसको भी क्या करना है कि खुशी खुशी से चुप तो करना है जैसे दीदियों ने किया। इस प्रकार हमें हर एक बात को ऐसे लाइट लेना, हल्का लेना और हल्का बनना चाहिए, तभी हम टेंशन फ्री रह सकते हैं। तो इसके ऊपर आप चिंतन जरूर करना कि क्यों मुझे टेंशन आता है, उसका रीजन क्या और उसके कारण मेरा नुकसान क्या। सबसे पहले रीजन ढूंढना और फिर उसके ऊपर उपाय करना। ओम शांति। तो पद्मा बहन जी आप होमवर्क भी देना तो क्या होगा आप, और उस बाद में योग भी कराना। हाँ जी भाई जी। कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। अभिजीत भाई जी से मुझे ये पूछना था कि क्या जो वो मनसा प्रोजेक्ट आगे चलता था, क्या ये दोबारा से नहीं हो सकता है? मनसा सेवा का जो आगे चलता था, उसका एक्चुअली मुझे भी अभी तक कुछ उसका ये नहीं आया जी। लेकिन कभी कभी कुछ नहीं आता है ना, तो अपना खुद का भी ऐसा अभी देखो कि काफी सारा मतलब ओपन हुआ है ना, तो इसके कारण अभी ऑनलाइन थोड़ा थोड़ा अभी कम कम किया है, इसलिए ऑफलाइन चलता है लेकिन ऑनलाइन का हमने थोड़ा थोड़ा कम कम किया है। क्योंकि एक होता है ना सेंटर पे जाके योग भट्टी करना, वो थोड़ा सा अलग बात होती है। नहीं भाई जी, जैसे अभी इस ग्रुप में तो मतलब अगर वही पीछे से ऑर्डर आएंगे तभी करवा सकते हैं, या पर्सनली भी आप करवा सकते हो इस ग्रुप में वो सेवा? ठीक है, तो करके दिन हम वैसे हम एक अभ्यास कर सकते कि 45-9 पूरा मनसा सेवा सेशन रख सकते हैं, और करके दिन तो हमारे पास ये भाई जी वॉइस ना ब्रेकिंग वॉइस आ रही है, समझ नहीं आ रहा है। नहीं, कल के दिन हम पूरा ना मनसा सेवा करेंगे जी। ठीक है भाई जी, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम ओमवर्क की तरफ जाएंगे। हम स्वराज्य अधिकारी बनने का जो बाबा ने विधि बताया ना, उसको हम अप्लाई करेंगे कि हम स्वमान लेंगे कि मैं शिव शक्ति हूँ, शिव और शक्ति साथ है। तो जब बाप को सदा साथ रखेंगे तो मन बुद्धि संस्कार किसी का भी ताकत नहीं जो कंट्रोल में नहीं रहे। तो इसका हम अभ्यास करेंगे और मनसा सेवा भी करेंगे। ओम शांति। अभी हम एक मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। मैं शिव शक्ति हूं इस स्वमान में स्थित हो जाएंगे। मैं आत्मा एनर्जी शक्ति हूं, मैं शिव की शक्ति हूं, शिव और शक्ति साथ साथ है। शिव बाबा में जो शक्ति है वो मेरे में भी है, उस शक्ति को फील करें।
शिव बाबा में जो जो गुण है वो मेरे में भी है। मैं हूँ ही शिव शक्ति। शिव बाबा जितना पवित्र है मैं भी उतनी ही पवित्र हूँ। मैं हूँ ही शिव शक्ति। मैं शिव शक्ति निर्भय हूँ। मैं माया जीत प्रकृति जीत हूँ। मैं शिव के समान रहने वाली शिव शक्ति हूँ। आज हम इसी समान में स्थित होके बाबा को गुड नाइट बोलेंगे। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।